स्पीड ऑफ बोट वी किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यू किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जिसकी वजह से जो नेट स्पीड होता है वो वी प्लस यू आता है। डाउन स्ट्रीम में कम समय लगता है पहुंचने में, और अप स्ट्रीम में जो आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस वजह से जो नेट स्पीड होती है वो वी माइनस यू जाती है। इसमें ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा मेहनत लगती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ था स्पीड ऑफ मोटर बोट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमको पता लिया कि वी है जो 20 किलोमीटर पर आवर है। अब यू स्पीड ऑफ जो करंट है वो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं अभी। और हमें क्या क्या गिवन है, जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर। इसके अलावा एक और चीज़ कहा गया है कि फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम इक्वल टू डाउनस्ट्रीम प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 एक घंटा ज़्यादा बोल रहे हैं। अगर यहाँ 2 घंटा या 3 घंटे लगते हैं उसके हिसाब से हम लिख देते हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में ज़्यादा ही समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अपस्ट्रीम विल बी। तो यहाँ पे जो u है वो x है स्ट्रीम, और जो अपस्ट्रीम का केस में क्या होता है v माइनस u हो जाता है। तो v तो हमारा 20 है जो गिवन है, और u है हमारा जो x है, तो 20 माइनस x हो गया, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 1 का c है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, 2 का A। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। तो देखिए हमें गिवन था अपस्ट्रीम इक्वल टू डाउनस्ट्रीम प्लस 1। 1 क्या ये टाइम है, एक घंटा, यानी टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में जो सबका डिस्टेंस वो सेम है, तो 15 अपॉन अपस्ट्रीम के केस में हो जाएगा वी माइनस यू इक्वल टू डाउनस्ट्रीम केस में हो जाएगा 15 अपॉन वी प्लस यू एंड देन प्लस 1। तो हमें पता है कि वी की वैल्यू 20 है, तो 15 अपॉन 20 माइनस एक्स लिख दूंगा, यू एक्स है हमारा, और 15 अपॉन 20 प्लस एक्स लिख सकता हूँ इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं 15 कॉमन ले लिया मैंने, तो 20 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब मैंने एलसीएम लिया 20 प्लस एक्स माइनस 20, और ये प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन ये ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे 20 और 20 कट जाएगा और एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 एंड 20 कट गया मेरा, अब 15 हो गया और एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा अंदर, जो नीचे का ये 400 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, यानी कि जो 3 का जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट इसका निकालने के लिए इसका हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डी इज इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी है 30, यानी 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है माइनस 400। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये हो गया आपका 900 प्लस 1600, तो ये हो जाएगा आपका 2500। अब हमें x निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस माइनस रूट ओवर 2500
अपॉन 2 × 1। मैं लिख सकता हूँ -30 प्लस -50 अपॉन 2। अब देखिए मैं यहाँ पे -30 प्लस 50 लूँगा, ये रीज़न इसलिए है क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता। तो -30 प्लस 50 अपॉन 2 किया तो 20 अपॉन 2 हो गया, यानी 10 आ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, फोर्थ का बी, 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टाइम बोट टूक इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? वी प्लस यू होता है। तो वी हमारा 20 पहले से पता है, बोट का स्पीड है, और अभी अभी हमारा स्ट्रीम का स्पीड निकल चुका है जो कि 10 है। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। तो नेट स्पीड अभी हो गया हमारा 30। अब टी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा 15 था और जो स्पीड है वो 30 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 लिख देंगे, ये 1/2 ओवर है, लेकिन ऑप्शन दिया मिनट्स में, तो मिनट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। 1/2 × 60 करेंगे यानी कि ये 30 मिनट्स आ गया, यानी आपका ऑप्शन फिफ्थ का सी करेक्ट है। इसी के साथ ये केस स्टडी आपका कंप्लीट होता है।